करें, तीन बार ओंकार करके शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। ओंकार के लिए श्वास में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम लोग अभी आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का आज के इस इंट्रो सेशन में स्वागत है। कुछ लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। राजेश्वरी जी ने ऑन किया है, थैंक यू। वीडियो ऑन करेंगे चाहे कैसे भी बैठे हो, कोई बात नहीं। हम ना फोटो वोटो नहीं निकाल रहे हैं, सभी जानते हैं, सब घर में ही बैठे हैं ना। थैंक यू पांडे मैडम। सभी आज ना अपना वीडियो ऑन करेंगे, हम आपको नहीं पकड़ेंगे कोर्स के लिए। आज वादा है, ये नहीं बात करेंगे कोर्स के लिए। कोर्स करो। ओके नीलिमा जी, कैसे हो नीलिमा जी? मस्त है। हाँ सरबोनी जी, चंद्रा जी, अंजलि जी, किरण जी, गणेश जी, अरे वाह, रेखा जी, सभी ऑन करेंगे। हाँ ठीक है, तो हम बातें करेंगे। आज हम ना सेशन करेंगे, फिर ना जिसके भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में हम वो लेंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा सेशन अटेंड करिएगा, ठीक है? हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कोकोनट, नारियल। पहले हम जब भी छोटे थे ना तो नारियल बहुत खाते थे ना। हाँ, नारियल का प्रसाद मिलता था, नारियल में मिश्री डाल के उसको चबा चबा के खाते थे। मुझे तो याद है, मैं तो और मांगती थी, मुझे और दो, बहुत अच्छा लगता था। बेसिकली मैं तो बचपन में बहुत सारे फ्रूट्स पेपली हूँ, फ्रूट्स ज्यादा खाती थी, तो पसंद था बहुत। आज भी मुझे बहुत पसंद है, आज भी मैं नारियल देखती हूँ ना उसको लेके चबा चबा के खा लेती हूँ। तो चबाने का भी इम्पोर्टेंस है, चबाते क्यों है हम, उसके पीछे भी रीजन है। क्यों चबाते हैं हम? ताकि हमारे जो विटामिन हैं, जो भी चीज हम खाते हैं वो हमारे सलाइवा से मिलके हमें डाइजेशन में भी मदद करे और हमारे अंदर विटामिन भी
रहे हमारे ब्लड में। तो नारियल है ना, उसको श्री फलम कहा गया है। उसका इतना महत्व है कि उसके जो बाहर के पार्ट है, अंदर के पार्ट है, उसका हर एक पार्ट है ना यूज्ड है, हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। बाहर के पार्ट में फाइबर रहता है, उससे जूट और उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। रीना दीदी आपको पूरा बताएंगे आगे। और दूसरा उसका जो फ्रूट है वो हम खाते हैं, चबा के खाते हैं या सब्जी में डाल के खाते हैं, तो हमारा उसका फ्लेवर अच्छा होता है। उसका मिल्क भी बहुत फायदेमंद है। और नारियल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। नेचर में जो भी वाइट चीजें हैं ना, नेचर के जो भी वाइट चीजें हैं, जैसे सीताफल है, काकड़ी है, नारियल है, लौकी है, इन सब में कैल्शियम ज्यादा रहता है, जो भी वाइट चीजें हैं। और जो रेड रेड चीजें हैं ना, जैसे अनार है, और चेरी है, एप्पल है, ये जो रेड चीजें हैं उसमें क्या रहता है, खजूर है, मनुका है, ब्लैकिश होती है मनुका, इसमें क्या रहता है, कैल्शियम और आयरन। तो और हम किसके लिए, कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हमारी हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए कैल्शियम अनिवार्य है। तो कोकोनट के बहुत सारे हम बना सकते, स्वीट्स बना सकते हैं, कोकोनट बर्फी, कोकोनट की खीर, और कोकोनट की सोल कड़ी, और सब्जियों में डालते हैं, खीर में डालते हैं, ऐसे ही खाते हैं बहुत सारे। एक फालूदा ड्रिंक भी है कोकोनट की। ऑफलाइन कोर्स, ऑफलाइन होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में वो सिखाते हैं, तो जब भी आप ऑफलाइन कोर्स करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। मालूम ही नहीं पड़ता है कि ऐसे ऐसे हाइजीन इंग्रेडिएंट्स से भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, लाजवाब चीजें, हेल्थ के लिए अच्छी और डिलीशियस, यम्मी, टेस्टी, दिखने में भी सुंदर। तो हम किसके लिए खाते हैं, अपने इंद्रियों को और मन को तृप्त करने के लिए खाते हैं। इंद्रियां कौन सी है हमारी, आँख, नाक, कान, स्किन, मुंह, जबान। और ये जबान को ही भगवान ने दो काम दिए हैं, एक बोलने का और दूसरा खाने का। नहीं तो देखो, आंखें दो हैं, काम एक है देखना, नासिकाएं दो हैं, काम एक है सूंघना, कान दो हैं, काम एक है सुनना, और ये जीभ एक है, काम दो हैं, बोलना और खाना। और दोनों ही, दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ज्यादा खा लिए तो फिर हेल्थ में गड़बड़ होती है, और ज्यादा बोल लिए तो भी गड़बड़ होती है, हमारे रिलेशनशिप्स टूटते हैं, और ज्यादा बड़बड़ की या नहीं बोले तो प्रॉब्लम होती है। तो जो हम खाते हैं ना वही हम बनते हैं। और जीभ को अगर हमने कंट्रोल में रखा तो पूरा ये हम जग जीत जाते हैं, पूरे जीवन की बाजी जीत जाती है। तो आयुर्वेदा और होलिस्टिक कुकिंग हमें क्या बताता है, वात पित्त कफ क्या है, और इसको, इसके काम क्या है, इनको समझना कैसे है, और अपनी प्रकृति को कैसे समझना है, विकृति को कैसे समझना है, उसके अनुसार क्या संतुलन रहता है, क्या असंतुलित रहता है, और फिर हमें
भोजन कैसे खाना है अपने दोषास को बैलेंस रखने के लिए। कुछ कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो तीनों दोषों को बैलेंस करते हैं। अगर वो हमने खाना शुरू किया ना तो हमारी स्किन भी ग्लो होने लगती है और हम मस्त रहते हैं, हाँ, और हेल्दी रहते हैं, क्योंकि हमारे अन से जुड़ा है हमारा मन और मन से जुड़ा है हमारा पूरा जीवन और पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि ब्रह्मांड में क्या है, पांच तत्व है, वो ही हमारे अंदर है। तो इन पांच तत्वों से बने हैं तीन दोषास, वात पित्त और कफ। तो इनको समझने के लिए, इनका पूरा ज्ञान समझने के लिए हमें कोर्स सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा नॉलेज है और रेसिपी, हमें कौन सा खाना खाना है, कौन सा अवॉइड करना है और कौन से बर्तनों में पकाना है, किस तरीके से पकाना है। नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं फ्लावर की और उसको इतना फ्राई कर देते हैं, फिर उसमें सिर्फ मसाले की टेस्ट आती है, ओरिजिनल टेस्ट तो रहती नहीं है। तो ओरिजिनल टेस्ट सब्जियों में कैसे बरकरार रहे, और कितनी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स कब खाने हैं, कितने अमाउंट में खाने हैं, और कब खाना है कब नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नहीं तो हम गूगल में सर्च करते हैं ये खाना है वो खाना है, पर ये नहीं मालूम रहता है कि क्या नहीं खाना है। तो ये नॉलेज नहीं होने की वजह से हम बहुत सारा एसिडिक खाते रहते हैं, फिर हमारे अंदर एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन, अलग अलग तरीके से एसिडिटी हमें प्रॉब्लम देती रहती है, हमारे हेल्थ को डाउन करती है। तो फिर इसके लिए भी ये कोर्स में सॉल्यूशन है कि कौन सा अल्कलाइन वाटर हम ले ताकि हम उस एसिडिटी को, उस एसिडिक विषैले तत्वों को हम अपने ब्लड से कैसे डिटॉक्स करें। और दूसरा, हम अपने जीभ के स्वाद के लिए कभी ज्यादा खा लेते हैं, हा? फिर भी प्रॉब्लम होती है। और स्वाद के लिए किसी को मीठा स्वाद इतना पसंद होता है कि ज्यादा खा लेते हैं, फिर हमारा वजन बढ़ जाता है, फिर हम टेंस हो जाते हैं। तो ये स्वाद को भी कैसे बैलेंस में रखना है, हा? जब हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर हम अवेयर हो जाते हैं, हा? आई ओपनर कोर्स है ये, अपनी आंखें खुल जाती हैं। इसीलिए हम रोज बताते रहते हैं कि ये कोर्स हम ना सभी लोग कर सकते हैं, जो कोई खा रहा है वो कर सकता है, और जो कोई भी जो कुछ खाता है वो ही वो बनता है, वैसे ही उसका बिहेवियर होता है, वैसे ही उसकी सोच होती है, आहार विहार और विचार। तो अगर हमने इनको समझ लिया, बात पित्त कफ को, तो हमने पूरा आयुर्वेदा समझ लिया, ठीक है ना। और हम सोने के समय में खाते हैं, खाते के समय, खाने के समय में सोते हैं, तो क्या होता है, हम कितना भी खाते हैं फिर हमारे शरीर को नहीं लगता है, फिर हमारे अंदर विटामिन्स मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, सुंदर टॉपिक में बताया गया है जिसका नाम है प्रोसीजर टू हैव मील। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, ठीक है। और कुछ कुछ भी टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या क्या हम सीखेंगे। अभी थोड़ा कोकोनट को समझ लेते हैं। कोकोनट क्या है, मीठा है, हाँ, सभी ने जन खाया ही होगा कोकोनट कभी ना कभी तो, हाँ ना, खाया है ना, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। निकिता जी, आपने हैंड रेस किया, आपको कुछ पूछना है क्या, चैट बॉक्स में डाल सकते हो कि बाय मिस्टेक हुआ है।
खाया है ना कोकोनट, वेरी गुड। हाँ तो इसका क्या टेस्ट रहता है? स्वीट। और इसका इफेक्ट क्या है? कूलिंग है। और इसका जो फ्रूट है ना, वो कैसे रहता है? हार्ड रहता है, कड़क रहता है। हाँ इसीलिए हम उसको दांतों से चबा चबा के खाते हैं, ठीक है ना। और ये हैवी होता है और इसमें ऑयल होता है। हाँ हमने सुना होगा कोकोनट ऑयल। हाँ ठीक है, तो इससे हमें तेल भी मिलता है, कोकोनट ऑयल। और इसका सेंटर में क्या होता है? पानी, लिक्विड, जो भी वो भी मीठा होता है। तो ये पूरा मिठास से भरपूर है। कोकोनट क्या करता है? वात और पित्त को कम करता है और ये कफ को बढ़ाता है। ठीक है, इसका अगर डिटेल में जानना है ना, तो अभी कोर्स करेंगे जो लोग, वो समझ जाएंगे। फिर इसके पीछे भी डिटेल स्टडी है। ठीक है, अभी कोकोनट ऑयल क्या करते हैं हम? बाहर से लगाते हैं, सर में लगाते हैं, स्किन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये खा भी सकते हैं कोकोनट ऑयल। अगर हमें फ्रेश और कोल्ड प्रेस्ड मिलता है तो हम अपने खाने में भी इसको यूज कर सकते हैं। कोकोनट वाटर जूसी होता है और वो कोकोनट के अंदर होता है, और इससे कोकोनट मिल्क भी तैयार हो सकता है कोकोनट से। ठीक है, हम अभी नुस्खे देखेंगे। रीना दीदी भी आपको कोकोनट के लिए बताएंगे, और मैंने बोल बताया आपको बहुत सारी चीजें बनती है कोकोनट की। स्वीट बनती है, मिठाई बनती है, और सोल कड़ी बनती है, फालूदा बनता है, मिल्क बनता है, जो हम अलग अलग चीजों में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब्जी में डाल सकते हैं। अभी नुस्खे देख लेते हैं, एक दो। 10 नुस्खे हैं, एक दो नहीं, 10। तो मुझे समय मिला तो मैं आपको सभी शेयर कर देती हूँ। अभी इचिंग है शरीर में, और तो क्या करना है? हमें पाउडर फॉर्म में कोकोनट को अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, जिधर भी स्किन जल रही है। ठीक है, कोकोनट को पाउडर फॉर्म में हमें स्किन पे अप्लाई करना है। और अगर हमारे स्किन पे दूसरा नुस्खा, इचिंग है, स्किन बर्न, जल रही है, कभी कभी होता है ना, कभी कभी त्वचा में जलन होती है, और तो फिर हम उस पे कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल अप्लाई करेंगे तो वो स्किन को ठंडक पहुंचाएगा और वो जो रैशेस, इन्फ्लेमेशन जो भी हुआ है वो ठीक होने लगेगा। तो ये बर्निंग क्यों होती है, स्किन पे क्यों तकलीफ आती है? इसके पीछे भी दोषास के इम्बेलेंस का वास्ता है, मतलब दोषास इम्बेलेंस है तभी ये स्किन जल रही है। तो कौन सा दोषा इम्बेलेंस है वो हम कोर्स में समझेंगे। ठीक है, और जिस बर्निंग यूरिनेशन, यूरिन पास करते हुए जलन होना, उसके लिए क्या करना है? 1 कप कोकोनट वाटर पीना है। ड्रिंक 1 कप ऑफ कोकोनट वाटर। ठीक है, और अगर इसमें कोकोनट वाटर, यूरिनेशन ये प्रॉब्लम के लिए नहीं, ऐसे ही नॉर्मल जो भी व्यक्ति है, वो कोकोनट वाटर में अगर 2-3 ड्रॉप्स नींबू के डाल देंगे ना, तो बहुत ही फायदा करता है ये। डाइजेशन में अच्छा अच्छा करता है, और विटामिन सी है इसमें, नींबू में। किसी किसी को ना कोकोनट वाटर सूट नहीं होता है, एसिडिटी करता है, तो वो अगर नींबू का जूस डाल के पियेंगे तो वो
माना पाचन में मदद करेगा। विटामिन सी डाइजेशन के लिए अच्छा सोर्स है। अभी चिकन पॉक्स है और रैशेस हुए हैं, तो वो रैशेस कैसे जाएंगे, कोकोनट वाटर पीने से वो रैशेस धीरे धीरे चले जाएंगे। अगर बाल पतले हैं किसके और बहुत गिर रहे हैं तो प्योर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें। जो भी प्योर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है वो अपनी खोपड़ी पे सर पे लगाएं, तो फिर बाल धीरे धीरे गिरना बंद हो जाते हैं। आजकल तो ऑयल लगाते ही नहीं है, ऑयल भी हमारे बालों की खुराक है, ऑयल लगाना जरूरी है। आजकल फैशन हो गया है ना ऐसे बाल रखने का, रुके रुके सूखे सूखे, तो फिर वात बढ़ता है इससे, तो हमें ऑयल रखना लगाना बहुत जरूरी है। तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। अगर किसी को कोकोनट ऑयल सूट नहीं होता है सर में, तो आप तिल का तेल लगा सकते हो, मस्टर्ड सीड ऑयल लगा सकते हो। अभी अगर डेंड्रफ है और बहुत इचिंग हो रही है, डेंड्रफ होती है तो खुजली होती है ना, तो कोकोनट मिल्क लगाओ सर में, वो बहुत फायदा करेगा। देखो कितने फायदे हैं कोकोनट के। और ना रोज ना कोकोनट खाना चाहिए थोड़े अमाउंट में हर किसी को, क्योंकि ये त्रयदोषिक है, तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर हम इसको मॉडरेशन में खाएंगे तो ज्यादा खाएंगे तो कफ बढ़ सकता है, पर मॉडरेशन में खाएंगे तो वो तीनों दोषों को बैलेंस करता है, ठीक है। और किसी को मंथली साइकिल में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो एक कप कोकोनट वाटर में आधा टीस्पून राग कैंडी शुगर यानी मिश्री, राग शुगर प्योर मिश्री मिलती है ना धागे वाली, वो डाल के वो पीते हैं तो प्रॉब्लम में राहत मिलती है, ठीक है। ओके, अभी बाकी दो नुस्खे है वो हम देखेंगे। अभी पहले दीना दीदी को बुलाते हैं, वो हमें खजाना बताने वाले हैं कोकोनट का, फिर हम बताते हैं दो नुस्खे और जो बाकी रह गया है होलिस्टिक कुकिंग का। रीना जी आप हो? हाँ, कोर्स कब है और फीस क्या है? कोर्स है 1-2-3 तारीख को, फीस है डोनेशन इसका बोला जाता है वो 1200 रुपया है। बहुत अच्छी जगह ये डोनेशन जाता है हमारा। निकिता कदम, कुछ बात करनी है क्या? एड्रेस हुआ है उसका तो थोड़ा एक 5 मिनट बोलने के बाद आपसे बात करेंगे। क्या है कोकोनट? बहुत सारी चीजें मैंने भी लिखी थी और सोनिया दीदी का भी, हमारा और उसका मैचिंग तो है, पर फिर भी कुछ नया मिल सकता है। क्या है कोकोनट? एक फ्रूट है, सोनिया दीदी ने वही बोला, क्योंकि वो पूरे का पूरा मतलब यूज होता है ना, मतलब कोकोनट को पता है श्री फल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो पूरे पूरा है, अखंड है, उसका हर एक चीज ट्री से लेके उनके शेल से लेके उनके रेशे से लेके सब चीज यूज होती है। अंदर का पानी, फल, उसके ऊपर का कवच, रेशे, सब कुछ, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है इससे, तो सभी शुभ कार्य में इसका उपयोग है, उपयोग करते हैं,
का उपयोग होता है, कहाँ उगता है ये ज्यादा, मतलब एक बिल्डिंग बिल्डिंग में भी उग रहे हैं पर फिर भी ज्यादा समुन्दर के यहाँ उगते हैं। समुन्दर के यहाँ क्या है? खारा पानी, खारी जमीन, खारा पानी, फिर भी वो अपने आप में मीठा है। जीवन में समुन्दर के पास जो नारियल के झाड़ है, ये नारियल के झाड़ को हमसे कनेक्ट कर डालना चाहिए। जो खाराश में रहते हुए भी मीठा बन के रह रहा है, उससे सीखने जैसा है कि जीवन कैसे जीना। ये एकदम से अभी मन में आया तो मैंने बोल दिया। तो पूरे पूरा समुन्दर खारा है, तो उससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत आंधी तूफान आते हैं फिर भी अड़ंग रहते हैं, हाँ, तो उससे वो भले अपने आप में मजबूत है पर मजबूती भी तो रखी ना, टिकी ना, उनकी जड़ें उतनी पक्की रखी। वो अपने आप में कुदरत की देन है पर फिर भी डगमगाता नहीं है। तो ये इसीलिए पूर्णता बोला जाता है। खूब तरीके से इसका यूज है कोकोनट का, पूजा पाठ में, मिठाई बनाने में, पुडिंग बनाने में, केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, बर्फी बनाने में, जेली बनाने में बहुत यूज है। ऑयल तो वगैरह तो सोनिया दीदी ने अभी बता ही दिया। और ये इसकी चॉकलेट वगैरह भी बनती है, मोदक तो अभी बनी रहे हैं सबके यहाँ, गणपति ये वो थे, तो बहुत सारी इसके वेरिएशन बनते हैं। सब्जी में डालते हैं, बहुत जन नॉनवेज में डालते हैं, पर नहीं डालना चाहिए। इसका नाम ही श्री फल है, तो बहुत जन टेस्ट के लिए भले डालते हैं पर ना डाले तो ज़्यादा अच्छा। सलाद में यूज होता है, चटनियाँ कितनी वेरिएशन में बनती है, हाँ, इसकी एक सुंदर सी चटनी बनती है वो मैं आपको आज बताती हूँ। थोड़ा टेस्ट अलग लग सकता है आप, इसीलिए बताऊंगी। हेल्थ के लिए तो ये वरदान है, बीमार व्यक्ति जो रहता है नारियल पानी पी के खड़ा हो सकता है। कोई कोई लोग नारियल पानी पे भी जिए हैं, किसी किसी के अपने जीवन में उन्होंने कुछ महीने कुछ साल नारियल पानी भी पी के जिए, इतना ताकत है उसमें। नारियल पानी पीने से बीमारियां दूर होती है, टॉनिक के रूप में है वो कोकोनट, हीट होती है तो भी यूज होता है। ये यूरिन के प्रॉब्लम के लिए भी असरकारक है नारियल पानी, काफी फायदा रहता है। और बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक बनते हैं कोकोनट के, जैसे सोनिया दीदी ने बोला सोलकड़ी बनती है, फालूदा बनेगा, फिर ये सब सीखने के लिए ना कोर्स में आ जाओ, फिर इसकी सोलकड़ी बनेगी। बहुत सारे लोगों को पता है सोलकड़ी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज सोलकड़ी की भी हम रेसिपी कुछ जान लेंगे, थोड़ी सी इजी है और आसान है, बना सकते हो आप लोग। तो सोल कड़ी भी इसकी बनती है, कोकोनट पंच भी बनता है, बहुत बहुत ही टेस्टी बनता है ये कोकोनट पंच। ये पहले सेशन लिया था ना तभी भी मैंने ये कोकोनट पंच की बात की है। क्राफ्ट बनते हैं इसके शेल से, जैसे कछुआ बना, कुछ पिगी बैंक बनी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट भी इसके बनते हैं। कोकोनट से शुगर भी बनती है, शक्कर। आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं तो मार्केट में ऑर्गेनिक कोकोनट शक्कर भी आ चुकी है, मैंने खाई है, अच्छी है, लगती है, हल्की सी कोकोनट स्मेल तो रहेगी ही पर लाइट स्वीट है ये, हाँ, बहुत भी ये नहीं है, बहुत मिठास नहीं है पर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कोकोनट ट्री के पान के भी उपयोग है, बहुत उपयोग रहते हैं उसके पान के भी, हाँ। और इसके पत्तों से चटाई वगैरह भी बनती है, डेकोरेटिव बनता है, बहुत सारे क्राफ्ट में और बहुत सारे जगह यूनिक पैटर्न बनाने के लिए इसके खंभे और इसके सब बहुत सारी चीजें काम आती है। कोकोनट अपने आप में पूर्णता है, इसीलिए हवन में भी पूर्णाहुति के समय कोकोनट यूज होता है, इसीलिए कोकोनट को पूर्णता बोला गया है।
तो सुंदर है कोकोनट, अपने आप में टेस्टी है और हम अक्सर यूज करते हैं। आयुर्वेदा में एक वरदान है नारियल तो, पर सोनिया दीदी ने वो ही बोला ना कि कोकोनट भी मतलब संभालना है खाने के लिए, रोज भी खा सकते हैं पर उसकी लिमिट ये वो सब ध्यान देनी है। अब सोल कढ़ी के लिए बात करते हैं कि कोकोनट की सोल कढ़ी कैसे बनती है। तो देखो कोकोनट मिल्क बहुत जन को आता है, पर अगर नहीं भी आता है तो समझ लो कोकोनट के पतले पतले चीर निकालने हैं, मिक्सर में पानी के साथ ग्राइंड करना है। लुक वार्म वाटर ही होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं। अगर गर्मी के सीजन में बन रहा है और अच्छा सा वो लुक वार्म वाटर जैसा ही वाटर लग रहा है तो भी चल जाएगा, फिर गर्म करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार मल के कपड़े से छानो, उसके बाद वापस इसको पानी ऐड करके वापस मिक्सर में इसको और फाइन पीस लो। ये दूसरी बार वो ही पानी को निचोड़ लो और वो रखो, फिर वापस पानी डाल के तीसरी बार में भी पीस के इसका पानी निकाल लो। पहली बार का गाढ़ा निकलता है, दूसरी बार का कम, तीसरी बार का लाइट एकदम। ये सबको मिक्स कर दो, या मिक्स किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बावजूद भी आपको लगता है आपने कम कम पानी में ही पीसा है और भी लगता है कि ये गाढ़ा है, तो आप इसको पतला कर सकते हो। अब ये जब कोकोनट पीसते हो तो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट मिल्क से बहुत दूसरी चीजें नहीं बनानी है, तो आप इसमें ही एक कली लहसुन, एक छोटी मिर्ची ग्रीन चिली और आधा टी स्पून जीरा, अखा जीरा कच्चा ही, ये सबको ऐड करके साथ साथ पीस लो। तो ये पूरा एक मिल्क बन गया। ये बनने के बाद ना कोकम आगड़ करके एक जूस मिलता है, कोकम खट्टा, कोकम का जूस रहता है, ये मीठा शरबत वाला नहीं, खट्टा ही रहेगा। कोकम को उन लोग जब भी प्योर कोकम जब भी पक के निकलती है ट्री से, तब उसका ये पूरा निचोड़ के इसका अर्क लिया जाता है और काफी कुछ इसकी प्रोसीजर है वो भी उन्हीं लोग करते हैं। हम लोग तो यहाँ पे कोंकण के बहुत सारी चीजें मिलती है उससे ले लेते हैं। सिर्फ इसका नाम है कोकम आगड़, आगड़ बोला जाता है, अर्क ही समझ लो, कोकम का खट्टा खट्टा ही होना चाहिए अर्क। बहुत ध्यान देना, बहुत कंपनियों के लेने जाओगे ना तो ये कलर वाले बहुत मिलते हैं, तो वो भी ध्यान देना, कहीं अच्छी जगह या कहीं अच्छे नेचुरल चीजों या ऑर्गेनिक कहीं मिलता है तो ज्यादा अच्छा है, तो अच्छा प्योर मिलेगा। अब ये कितना खट्टा खाना है उसके ऊपर, जैसे 3-4 ग्लास का बन रहा है, एक नारियल का बन रहा है, तो 2-2.5 चम्मच ये कोकम सिरप पड़ जाएगा। पर क्वालिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग ये खट्टा आपको देखना पड़ेगा, वो कभी बहुत प्योर रहा तो बहुत असल खट्टा रहता है वो, तो कम पड़ेगा, तो आप भी थोड़ा थोड़ा डाल के टेस्ट देख लेना। और इसमें नमक डालना है और बहुत बारीक चॉप्ट करके कोरिएंडर डालनी है। ये करने के बाद थोड़ी देर ही फ्रीज में रख के आप लुक लाइक मतलब मीडियम कूल पियो आप, बहुत चिल्ड करके नहीं। एक्चुअली तो चिल्ड बहुत ही अच्छा लगता है, पर हमको हमारी हेल्थ भी देखनी है, तो मीडियम कूल करके ये पी सकते हो। तो जब भी पीना है तभी हिला लेना, क्योंकि ऊपर में वो पूरा प्योरिटी आ जाए, ड्राई कोकम नहीं। नहीं तो फिर आप ये कोकम भी जो रेड कोकम है ना वो है, हाँ भाई कोकम के फूल नहीं, नहीं तो कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। जो आप लोग दाल वाल में डालते हो ना वो कोकम नहीं, लाल ब्लैक कोकम रहती ना वो, मैरूनिश कलर का रहता है, रेडिश मैरून, ये वाला आप लेना है। अगर अगर आपके पास वो प्योर है तो इसको भिगा के फिर उसको पीस के छान के वो रस ऐड कर सकते हो, पर वो प्योर होनी चाहिए तो ठीक है। हाँ ये आप कर सकते हो। फिर और मैंने क्या बताया था, इसकी चटनी के लिए ना, हाँ
तो इसकी चटनी के लिए ना, एक तो यूजुअली जब भी ड्राई कोकोनट का कोई बनाता है तो ड्राई कोकोनट को सेकते हैं, हम ये फ्रेश कोकोनट को थोड़ा सा हल्का स्मोक के लिए सेकेंगे, वो जो वो फ्लेवर के लिए सेकेंगे। तो जो वाटी है ना, पूरे पूरी वाटी के साथ ही उसको हल्का सा गैस के ऊपर सेक लेना है। फिर उसके टुकड़े कर लो, भले चलेगा, या फिर शेल निकल गया होगा ना, फिर भी चिमटे से पकड़ के भी ये सेक सकते हैं। फिर उसके स्लाइसेस कर लो। फिर अखा लाल मिर्ची जो रहती है ना, सूखी लाल मिर्ची, उसको भी थोड़ा रोस्ट कर लो। उसी में एक दो कली लहसुन की डालनी है, एक ही हरी मिर्ची डालो क्योंकि ऑलरेडी रेड से तीखापन आएगा। और नमक डालो, जीरा डालो, थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है डालना या नहीं डालना। और ये सबको आप इसमें ऐड कर सकते हो दालिया या फिर ग्राउंड नट, ये भी आपकी अपने पास जो भी रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी सामान है, ऐसा जरूरी नहीं ये ही डालना है या यही डालना, दोनों में से कभी ये चीज कभी ये चीज। अब ये सिलबट्टे पे पीस के खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पत्थर पे ये वाली चटनी। अगर नहीं है तो भगवान की कृपा से मिक्सर तो है ही, वो हमें घुमा लेना है चटनी को। फिर इसमें राई, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता का तड़का देना, ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है, ये बनाना आप लोग। और बर्फी, बर्फी तो बनती रहती है। अब बर्फी में कैसे ना, इसमें मावा पड़ता है, तो मावा न डालते हुए इसके फ्लेवर भी बनते हैं। कोकोनट विथ रोज गुलकंद फ्लेवर एक बनता है, हाँ, कोकोनट विथ ये अपना पान फ्लेवर एक बनता है, या फिर आप केसर फ्लेवर बना सकते हो। ऐसे नेचुरल चीजों से ये फ्लेवर बनते हैं। अब बहुत जन ऑरेंज वॉरेंज में जाते हैं सीजन के, पर क्या होता है, ऑरेंज को पकाना नहीं पकाना ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तो इसीलिए इस सब में ना पड़ते हुए ये सब नेचुरल गुलकंद का बना, फिर पान फ्लेवर बना, हाँ, या फिर केसर फ्लेवर का आपने बनाया, तो यूजुअली मावा पड़ता है, तो मावा की जगह पे आप ना मखाना पाउडर रोस्ट करके ऐड कर, गुड़ या जैगरी, अरे गुड़ या पाम जैगरी, नॉर्मल नेचुरल गुड़ या पाम जैगरी या ब्राउन शक्कर या मिश्री, ये 3-4 चीजें हैं मिठास के लिए, तो ये आप कर सकते हो। हाँ, तो अभी बीच में मुझे ऑर्डर थी, तो उनकी ऑर्डर ऐसी थी कि गुड़ भी नहीं चाहिए और शक्कर भी नहीं चाहिए, तो ऐसे मोदक दो हमें कोकोनट के बना के। मैं बोली ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने, और खजूर भी अपने आप में बहुत शक्कर है खजूर की भी, तो उन्होंने तो बोला खजूर डालो, पर खजूर में ना बड़ी मेहनत है और मिक्सर के ब्लेड भी टूट जाती है, खजूर को बीज बीज निकालने के बावजूद भी वो अपने आप में इतने हार्ड है तो वो भी टूट जाते हैं। तो मैंने मखाना तो रोस्ट करके पाउडर बनाया, इलायची करके रखी, थोड़े से काजू बादाम को मैंने हल्का सा सेक के उसको ग्राइंड करके थोड़ा सा ही पाउडर रखा, वो एक रिचनेस के लिए। और फिर मैंने कोकोनट को थोड़ा सा घी में सौते कर लिया, और मैंने जो काले वाले खजूर आते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, हाथ से भी मसल लिया तो भी काम हो गया वैसा, पर मैंने उसके बीज निकाल के एक ग्राइंड कर लिया, क्योंकि क्या है वो इवन हो जाए, क्योंकि मोदक का शेप देना था ना, लड्डू बनाने हैं तो घुस जा, मतलब अंदर ही अंदर अंदर हम लोग कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके हम गोले बना सकते, मोदक में कैसे सांचे में प्रॉपरली डाल के वो सांचे में दबाना, ये वो था। फिर थोड़ी सी खसखस भी सेक के मैंने डाल दी। तो क्या क्या डाला देखो, ये सबको अलग अलग, कोको कोकोनट को थोड़ा सा सेक लिया, मखाना पाउडर रोस्ट करके मैंने ग्राइंड करके ले लिया, खसखस सेक के डाल दी, खजूर को भी पीसा और डाल दिया, खजूर को फिर मैंने सेका नहीं, हाँ उसको बिल्कुल सेका नहीं। और फिर क्या किया, कोकोनट डाला,
ड्राई फ्रूट का भुक्का डाल दिया, मखाना पाउडर डाल दिया और थोड़ा सा एक चम्मच घी डाला, क्योंकि कोकोनट और वो जो था ना मखाना पाउडर वो हल्का सा गर्म था तो घी उसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया। बस इसी को ही मैंने मोदक बना डाले, इतने सुंदर बने क्या बताओ। मैं फोटो डालूंगी इसका, फोटो निकाल के डालूंगी। मोदक है मेरे पास पर अच्छे से अभी आपको दिखाने के लिए वो ग्रुप में फोटो डालना, सभी ग्रुप में डालूंगी, इंट्रो वाले भी सभी सभी ग्रुप में डालूंगी। तो खाने में ऐसे लगा ही नहीं कि शक्कर नहीं है या गुड़ नहीं है। हाँ तो बड़ा मजेदार ये शुगर वाले बना के खा सकते हैं। तो जब भी खजूर डालते हो ना तो समझ लो कि थोड़ी तो शक्कर खाई, क्योंकि खजूर कभी भी शक्कर के बिना नहीं टिकती है, वो प्रोसेस ही है वैसी कि वो उसमें पड़ता ही है। पर ये जो ड्राई मैंने ये लिए ना इसमें नहीं था, ब्लैक खजूर जो बड़े बड़े आते हैं सॉफ्ट वाले वो लिए थे, बॉक्स में आता है वो डेट्स वो लिए थे मैंने। तो वो आप लो, थोड़ा कॉस्ट जाएगी पर अच्छी चीज रहेगी, मतलब शक्कर वाली नहीं रहेगी, वो अपने आप में नेचुरली मीठा है वो फल, तो जरूरत ही नहीं है शक्कर की या गुड़ की। ये तरीका भी है, आप कर सकते हो। अभी बहुत सारी चीजें बनती रहती है, बनाओ आप लोग। दो तीन चीजें मैंने अभी बताई, और आप अभी कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि समय फिलहाल कम है, आगे भी सेशन दूसरे हैं तो ये पूछ सकते हो आप। और कोकोनट पंच भी बड़ा इजी है, कहाँ गई मैं। कोकोनट पंच में भी फटाफट बता देती हूँ, कोकोनट और कोकोनट वाटर ये दोनों को ग्राइंड करना है और इसमें सब्जा ऐड करना है। अगर मिठास के लिए चाहिए तो आप मिश्री ऐड कर सकते हो, और जो कोकोनट फ्रेश वाला कोकोनट है ना उसी की जो मलाई रहती है ना उसी को उसी के साथ ग्राइंड करना। ये मोटा वाला नारियल नहीं लेना, थोड़ी सी आप रिकॉर्डिंग मांग लेना। हाँ रिकॉर्डिंग के लिए अभी इसको टाइम जाएगा, तो रिकॉर्डिंग सोनिया दीदी से ना मांग लो। तो नम्हा ये गीता कपूर को चाहिए, उनको डाल देना। तो ये इस तरीके से कोकोनट पंच बनता है, और थोड़े से फुदीने पेटल्स डाल दो, ऐड कर दो, और सब्जा थोड़े से भिगा के ऐड कर दो। ये हो गया मिल्की कलर का कोकोनट पंच बनता है, ये कूलिंग इफेक्ट देता है, गेस्ट वेस्ट आएंगे तो मजा मजा हो जाएगा उनको। इस तरीके से आप कोकोनट पंच भी बना सकते हो, और थोड़ी सी मोटी मलाई है तो चॉप्ट करके भी डालो, बीच बीच में आ सकता है, आएगा वो भी अच्छा लगेगा। और बीच बीच में आने के लिए वैसे ही मैंने सब्जा दे ही दिया कि आप सब्जा डालो, टोटली कूलिंग ड्रिंक है। सब्जा भाई, सब्जा को और क्या बोलते हैं, जैनी कुछ है सब्जा का दूसरा नाम होगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। सब्जा रेखा उसमें पड़ता है इसबगोल, ना, इसबगोल के बीज है ना, इसबगोल के बीज है ये काले मिलकर वाले, उसमें पड़ता है ना काले काले। फालूदा में पड़ते ही है। इसबगोल के बीज बोलते बहुत जन और कुछ बोलते हैं। तो और कोई सवाल, दो तीन मिनट है ना सोनिया। राजेश्वरी हाँ अंजलि जी, चूना जी को कुछ बोलना है, बेजिल चूना सीड्स इन इंग्लिश। चूना चूना की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है अभी तक, मैं जैसे ही होगा मैं डाल दूंगी। हाँ निकिता जी, आपको मैंने अनम्यूट, राजेश्वरी को करो ना अनम्यूट, उससे कुछ बोलना है। हाँ हाँ करती हूँ किया, निकिता मैंने जी। किया, बोलो बोलो राजेश्वरी। दीदी मेरा ना रेसिपी बुक डिलीट हो गया, मैंने वो स्टार मार्क नहीं किया जो आपने दिया था ना कोर्स में, ग्रुप में डाला था रेसिपी बुक, वो डिलीट हाँ हो गया। पर्सनल मांग लो, दे हाँ देंगे या हाँ पर्सनल हम, भी, हमें किसी को किसी से भी पर्सनल। हाँ ठीक है मैं आपको मैसेज कर और भेजती हूँ लोगों को आपके कोर्स में 1 अक्टूबर वाले, लोगों पक्का पक्का। से बात करके रखिए, देखते।
चिया सीड्स अलग हुए। हाँ रेखा जी, चिया सीड्स अलग है। पर उसका इफेक्ट भी मैंने वैसे ही देखा, सब्जा जैसे वैसे फूलते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या है चिया सीड्स की, जैसे सब्जा फूलिंग है बहुत तो। जन वेट रिड्यूस के लिए या ऐसे ही ज्यादातर खाते हैं। ओह माय गॉड, ओके, मुझे तो वेट ओह बढ़ाना है। ये सब करके घटते जा रहे हैं। ठीक है। ये निकिता को कुछ बात करनी है क्या? हेलो। नहीं, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया और मेरा फर्स्ट सेशन था ये, तो अच्छा मुझे अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं मैसेज डाल रही थी, लेकिन बाद में हुआ, वो सेटिंग था। ओके। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया आज। एक्चुअली आते जाओ, रोज कुछ ना मेरा कुछ टॉपिक, कुछ ना कुछ न्यूज हाँ, लेते। एक्चुअली मैं 6:45 बजे तक घर पे आती हूँ, तो उसके बाद भूखता रहता है तो याद नहीं रह जाता ऐसा। आज ठीक देखा है, जब भी मैंने मिलता टाइम। है या फिर पर्सनल में रिकॉर्डिंग मांगते जाओ, तो रोज का जब भी आप फ्री हो तब सुन सकते हो। अच्छा ओके चलेगा। देखो सब्जा ब्लैक दिख रहा है, कलर के ही रहते हैं ये, मतलब फूलने सही के बाद ग्रे कलर के ट्रांसपेरेंसी होते हैं थोड़े। वीना राठौड़। राठौड़ तो मेरे मायके में भी राठौड़ थे भाई। हाँ। ठीक है, मीनू जी को और मैंने कुछ अनम्यूट बात? किया था, निकिता को। हाँ, वो उस समय आवाज नहीं आ रही थी तो उनको, नहीं एक मिनट फिर से करती हूँ। हो, उनको कुछ काम नहीं था। अच्छा ठीक है। हाँ थोड़ी बातें रह गई हैं, फिर नहीं तो हम कर लेते हैं। दो नुस्खे रह गए हैं कोकोनट के, तो पार्ट टू करके कर लेते हैं। टकमरी, टकमरिया, टकमरिया बोल, टकमरी शायद आप बोलते होंगे, टकमरिया हमारे गुजराती में बोलते हैं टकमरिया। हर एक लोग टकमरिया से नहीं समझेंगे, सब्जा ही मेन है नाम, मतलब उससे फटाक से समझ में आ जाता। रेखा जी, आप फालूदा खा लो एक तो उसमें मिल जाएगा तक मरिया। ठीक है, सोनिया पौने सात हो रहे, ठीक हाँ करते हैं। है। चलो मिलेंगे कल, गुजराती में उनको उर्दू हाँ कल मिलते बोलते हैं। हैं। एक प्रकार है बेजिल, हाँ तुलसी का एक प्रकार है, पर एक्चुअल 5 तुलसी अलग है, ऐसे बोलते हैं कि ये बेजिल एक प्रकार है, पर हर्ब्स है ये भी एक बेजिल। एक दिन यही सब तुलसी उलसी का लेना है मुझे, एक तुलसी का लेते हैं, तुलसी के कितने नाम है, हाँ राम श्याम कृष्ण बहुत बहुत कुछ है, बेजिल पे, हाँ केल के पत्ते, ऐसे सब पत्तों का एक एक दिन लेते हैं, ऐसे पत्तों, सैलरी कहाँ कहाँ यूज होगा, ये सब करते हैं। अमिता जी, आप सैलरी थोड़ा का चेहरा सॉस बनता दिखाओ है, ना। शेजवन सॉस में पड़ती, हाँ क्या? मैं बोलती हूँ ममता जी, आप चेहरा दिखाओ थोड़ा। आप कहाँ से हो? लेमन ग्रास अलग है, हाँ लेमन ग्रास अपने आप में वो साबुन बनता है, उसका ऑयल बनता है, एरोमेटिक के लिए काम आता है, और लेमन ग्रास टी के लिए भी काम। कहाँ से हो आप?
आगरा दीदी, आगरा, आगरा से हो? आगरा। अच्छा दीदी, बहुत अच्छा सेशन होता है आपका, बहुत नॉलेज है आप में, और मैं बहुत चाहती हूँ मैं बैठू, बट कुछ ना कुछ रीजन होता है और मेरा मिस होता है, और मुझे कुछ कुछ रिकॉर्डिंग चाहिए आपकी रेसिपी की। अच्छा, आपने कोर्स किया है? कौन सा दीदी? आयुर्वेदा कुकिंग किया है मैंने। वो तो काफी साल पहले किया होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने ही, हाँ, किया है बहुत पहले। अभी ये कर लो ऑनलाइन वाला, क्योंकि इसमें है काफी। ठीक है दीदी, कब से है, क्या है? 1 अक्टूबर से, 1st, 2nd, 3rd अक्टूबर। टाइम क्या है दीदी? 3 से 5 और 7 से 9, दो बैचेस हैं। दोनों ही टाइम, चलो देखती हूँ दीदी मैनेज कैसे कर पाती हूँ, 3 से 5 वाला में देखती हूँ। ठीक है, ठीक है दीदी। दीदी आज का सेशन का रिकॉर्डिंग दीजिएगा ना। हाँ, आप अपना नंबर डाल दो, हम डाल दिया दीदी। हाँ मैंने डाला है ममता के नाम से, बिना स्क्रीनशॉट तो ले ले। हाँ पहले तो लिए है, लेती हूँ 2-3 और। ठीक, ठीक है, हम फिर कल मिलते हैं। हाँ, कोकोनट पार्ट 2 और पालक का बिस्किट सेशन और तुलसी का बहुत भंडार के साथ हम उपस्थित होंगे फिर, ठीक है? और दूसरे लोगों को भी मैसेज फॉरवर्ड करिए। एंड करो, एंड। हाँ ओके, बाय।